रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गुजरात, ट्रक पलटने से खुल गई गुजरात सरकार की पोल, बरामद हुआ कुछ। गांधीनगर, गुजरात राज्य को वैसे तो शराब मुक्त राज्य होने का तगमा मिला हुआ है, लेकिन सरकारी कागजों में शराब मुक्त घोषित राज्य की हकीकत आज एक बार फिर से खुल गई है। राज्य के कच्छ में शुक्रवार को एक शराब के कार्टन से लदा ट्रक पलट गया, जिसमें शराब मुक्त राज्य के दावों को झूठ साबित कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात के शराब मुक्त होने पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। राज्य सरकार जहां इस बात को लेकर फूले नहीं समाती है कि गुजरात शराब मुक्त राज्य है, लेकिन यह कहां तक सत्य है कि राज्य में शराब मुक्त है, इसकी पोल कई बार खुल चुकी है। सरकारी आंकड़ों में शराब मुक्त राज्य में शुक्रवार को एक ट्रक पलटने से शराब तस्करी की सच्चाई सामने आ गई है। मीडिया में जारी खबर की माने तो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ क्षेत्र में शुक्रवार को एक ट्रक पलट गया, जिसमें शराब के कार्टन लदे हुए थे। ट्रक पलटने से शराब के सारे कार्टन रोड पर बिखर गए। इसी के साथ सरकार के शराब बैन के कथित दावे भी सड़क पर बिखर गए हैं। हालांकि यह मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। शराब तस्करी पर संपत्ति जब्त का नियम राज्य में अवैध शराब की तस्करी को लेकर कड़ा कानून लागू है, जिसमें 20 लाख रुपए मूल्य से अधिक की शराब पकड़े जाने पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर शराब तस्करों की संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान है। 20 लाख रुपए से अधिक की शराब जब्त करने पर प्रोहिबिशन एक्ट के साथ साथ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत कार्रवाई का आदेश है। इतना कुछ होने के बाद भी शराब की तस्करी नहीं रोकी जा पा रही है। पिछले समय शराब की तस्करी को लेकर सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले दो साल में 147 करोड़ 78 लाख 70 हजार की शराब बरामद हुई है, जिससे यही पता चलता है कि राज्य नाम भर ही शराब मुक्त है।